दोस्तों पिछले 2 दिनों से मैंने ये बताया था आपको, जी हाँ, फेसबुक का अकाउंट मैंने कहा था आप स्टॉप कर दीजिए, आपका जो भी डेटा है डिलीट कर दीजिए। फेसबुक का अकाउंट अगर डिलीट कर सकते हो बहुत ही अच्छा। आज एक न्यूज बाहर आई है दोस्तों, जिसमें यह पता चला है कि फेसबुक के 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। हैकर ने बेसिकली डेटाबेस जो है फेसबुक का उसका एक्सेस किया है, लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लिए है। ओवरऑल आपका डेटा फेसबुक के ऊपर सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, ये तो 5 करोड़ यूजर्स का हो गया, 9 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं, फेसबुक ने कहा है कि पता नहीं अब किस एरिया से है, इंडिया से है, यूएस से, ये पता नहीं है, लेकिन फेसबुक के यूजर्स हैं। क्या आप लॉग आउट हुए थे? क्योंकि 9 करोड़ लोग ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से लॉग आउट हो गए थे। सोचिए, बेसिकली वन लाइन, आप फेसबुक पे रहना, अब फेसबुक पे रहना खतरनाक हो गया। दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस जब आया था, मैंने कहा था पहली बार बहुत दिनों के बाद नोकिया के साथ मैं इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि अच्छी प्राइस पॉइंट पे आया था। अब नोकिया 7.1 प्लस लॉन्च हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, मैं बता रहा हूं, अब उसके इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं। एंड दिस फोन इज एक्सीलेंट। एक तो नॉच डिस्प्ले वगैरह तो है, FHD प्लस स्क्रीन है, इसमें 710 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर आएगा, 4 GB रैम, 6 GB रैम का वर्जन होने वाला है। साथ में आगे का जो सेल्फी कैमरा होगा वो 20 मेगापिक्सल का होगा, पीछे डुअल कैमराज होंगे 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल। ओवरऑल अ गुड हाई मिड रेंज फोन होने वाला है। अब प्राइस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि नोकिया इसको प्राइस क्या करता है। यूरोप में ऐसे कहा जा रहा है कि उसकी प्राइस होने वाली है कुछ 399 यूरोस, दैट मींस अराउंड 28-32 थाउजेंड रुपीज। लेकिन दोस्तों मोटरोला वन पावर के साथ मोटरोला ने दिखा दिया था कि चीपर वर्जन आ सकता है, वैसे ही नोकिया ने करना चाहिए। भाई यूरोप में पैसे है लोगों के पास, ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन इधर अगर उन्होंने 25-26-26-26 हजार इस रेंज में लॉन्च कर दिया, देन नोकिया 7.1 प्लस और नोकिया X7 बहुत अच्छा फोन होगा। अक्टूबर 4 को लॉन्च हो रहा है, सभी कुछ पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों आज ही हमने ट्रैक इन टेक का सबसे पॉपुलर वीडियो अपलोड किया है ट्रैक इन टेक चैनल पे, अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर अक्टूबर 2018। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जबरदस्त फोन लॉन्च हो रहे हैं अक्टूबर में। और दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैक इन टेक न्यूज नंबर 221। हर रोज हम टेक न्यूज आप तक पहुंचाते हैं और बहुत ही जबरदस्त और अलग सी न्यूज होती है, आप देख ही रहे हो, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे जाना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को बजाना है। अगली न्यूज लेने से पहले आज का ज्ञान बता दूं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सभी लोगों ने ठीक तरह से सुनना चाहिए। आपको पैसे बनाने हैं, आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करने हैं किधर? म्यूचुअल फंड्स पे कीजिए। बहुत सारे लोग स्टॉक्स में करते हैं बट इट इज रिस्की, म्यूचुअल फंड्स आर सेफ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है कुछ जरूरत नहीं है, आपके स्मार्टफोन पे एक ऐप डाउनलोड कीजिए, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बहुत ही अच्छी ऐप है, ग्रो ऐप नाम का ये ऐप है। इसके ऊपर से आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। सबसे अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं जो बताते हैं आपको सबसे अच्छे कौन से। साथ में आपको SIP मतलब हर महीने थोड़े थोड़े 500 रुपए 1000 रुपए अगर म्यूचुअल फंड्स में डालने वो भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे अच्छी बात, कमीशंस बिल्कुल नहीं है, तो आप फ्रीली म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ऐप है, यही आपको बताना था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर जाके डाउनलोड कीजिए और अगर पैसे हैं थोड़े तो इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप क्या करते हो जब आपको 1-2 दिन अनलिमिटेड डेटा चाहिए, कुछ अपलोड करना है, कुछ डाउनलोड करना है, लाइव मैच चल रही है देखना है और आप BSNL के यूजर हो? कुछ नहीं दोस्तों, एक छोटा सा रिचार्ज ले लीजिए, 18 रुपए का नया लॉन्च हुआ है, BSNL ने किया है, जिसमें 2 दिन की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड डाउनलोड्स एंड अपलोड्स पॉसिबल है, अनलिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी आप कर सकोगे। ओवरऑल इट इज अ ग्रेट न्यू रिचार्ज पैक BSNL की तरफ से, सिर्फ 18 रुपए, छोटा रिचार्ज है, जरूर कीजिए। अब ओप्पो ला रहा है और एक नई सीरीज का फोन जिसका नाम होगा OPPO K1। जी हाँ, इंडिया में नहीं, ये चाइना में लॉन्च होगा। पता है किस डेट पे लॉन्च होगा? 10वें महीने के 10वें तारीख को 10 बजे ये लॉन्च होने वाला है, 10-10-10। जी हाँ, तो ओप्पो K1 इसका नाम है, हायर मिड रेंज का फोन है ये, 4 GB रैम 6 GB रैम का अलग अलग वर्जन होगा।
कौन सा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, पता नहीं कौन सा होगा, 6.4 इंच की FHD प्लस 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, पीछे की तरफ ग्रेडियंट कलर की बैक है, ओवरऑल आजकल के जो ओप्पो के फोन्स होते हैं वैसे ही है, आएगा तब सब कुछ बताएंगे, अक्टूबर 10th को ही है। वैसे दोस्तों आपको पता है कि ग्रेडियंट बैक का कलर चेंज होता है जब आप सन में जाते हो, नीचे से देखते हो ऊपर से देखते हो, और एक चीज का कलर चेंज होता है पता है, सब्सक्राइब बटन का आप क्लिक करोगे कलर चेंज हो जाएगा, ट्राई तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों एप्पल को सभी ट्रोल करते हैं, परसों मैंने कहा था आपको कि एप्पल स्टोर्स में जो लोग खड़े थे लाइन में, उधर भाभी ने पावर बैंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, अब सैमसंग उनको ट्रोल कर रहा है। नेदरलैंड्स में एक विलेज है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है एप्पल, पब्लिसिटी स्टंट है लेकिन कर जरूर रहा है। सैमसंग ने कहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट S9 देने वाले हैं एप्पल के रेसिडेंट्स को। ये जो गांव है टोटल इसकी जो संख्या है लोगों की वो 312 है, 50 S9 गैलेक्सी S9 दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या जैसे मैंने कहा पब्लिसिटी स्टंट है लेकिन एप्पल गांव में सैमसंग के फोन्स होने वाले हैं, ये है इंपॉर्टेंट। फाइनली दोस्तों पहली बार वन प्लस ने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे अनाउंस कर दिया है कि वन प्लस 60 आ रहा है, इट्स कमिंग सून, और ये भी उन्होंने जो टीजर डाला है उसके ऊपर से पता चल रहा है, जो हमें ऑलरेडी पता था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वाटर ड्रॉप नॉच है, तो ये सब पता चल रहा है। लेकिन और एक चीज उन्होंने अनाउंस की है, द लैब वन प्लस 60 एडिशन। अब ये द लैब क्या है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उधर जा सकते हो आप। 10 लकी विनर्स को वन प्लस 60 लॉन्च के पहले मिलेगा और आप रिव्यू कर सकते हैं और फोरम पे डाल सकते हैं, तो जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिए और अगर पार्टिसिपेट करना है तो कीजिए, क्योंकि आप लकी विनर हो सकते हो वन प्लस 60 के, दुनिया में सबसे पहले वन प्लस 60 यूज करने के लिए आपको मिल सकता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे दोस्तों मैं हर न्यूज में आपको लाइक करने को कहता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं लाइक क्यों बोलते हो, क्योंकि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है दोस्तों, आप जब लाइक करते हो हमें पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर कम लाइक मिलते हैं तो हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अगर ज्यादा लाइक मिलते हैं तो और भी हमारा मोराल बढ़ता है और भी अच्छे वीडियोस करने के लिए, इसलिए लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपको बताने का कि रिजल्ट्स क्या हैं आज के पोल के। हमने पूछा था विच पेड स्ट्रीमिंग सर्विस डू यू यूज, क्या लगता है आपको, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और कुछ अदर्स, गूगल प्ले, हॉटस्टार, आई वॉज सरप्राइज, हॉटस्टार 54% ने पे करके देखा हुआ है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द यूजर्स, लेकिन मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स जिसको सिर्फ 13% वोट्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अपना देसी हॉटस्टार इज नंबर वन। दोस्तों क्या मिला आपको, मिला जरूर बताइएगा, मैं बात कर रहा हूं ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के बारे में, अगर नहीं मिला है वापस जाइए टेक न्यूज देखिए, फाइंड कीजिए हमारा ट्रेजर हंट, क्योंकि आप जीत सकते हो अमेज़न का गिफ्ट वाउचर, और हमारे कल के विनर जिन्होंने फाइंड किया बहुत ही मुश्किल ट्रैकिंग ट्रेजर हंट, वो है उदय मस्कर जी। जी हाँ, आप पिंड कमेंट को रिप्लाई कीजिए अगर आप देख रहे हो न्यूज, और हम आपको भेज देंगे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। आपको भी जीतना है वही कीजिए, कमेंट में हमें बताइए टाइम स्टैम्प, हैशटैग TTTH, और साथ में आपने क्या देखा स्पेसिफिकली बताइए, और हम आपको भेज देंगे आपका अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 221 इधर ही समाप्त होता है, अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, मैंने ऑलरेडी बोला है लाइक क्यों करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।